और पत्थर आ गया, उसकी वजह से टायर फट गया। और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यही है भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोग के? होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपने घर पे। तो गाइस, आज है सैटरडे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल के लिए बाहर दिवाली के लिए। सिर्फ एक दो दिन बचे, मैं इसको बंद करता हूँ, अच्छे से लाइट नहीं पड़ती है ना, इसलिए मैं इसको खोल देता हूँ। फिलहाल के हम लोग जा रहे हैं मस्टैंग को वॉश करवाने के लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है और बहुत टाइम से उसको हमने वॉश नहीं करवाया, तो उसको जाते हैं वॉश करवाते हैं। एंड उसके बाद अपने को जाना है आज ज्वेलरी शॉप में, मैंने आपको बताया अभी धनतेरस के लिए हम लोग चीजें बुक करके भी रखी है, तो हम लोग वो भी चीजें उठाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे वहां पर भी एंड वो चीजें भी लेंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोग जाते हैं मस्टैंग को वॉश करवाने के लिए एंड बहुत टाइम के बाद आज मस्टैंग चलाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा भाई। ओके गाइस, ये रही अपनी मस्टैंग भाई, कब से खड़ी हुई है ऐसे ही भाई, इतना टाइम हो गया इसको देखे बिना, अरे आंखें तरस जाती है इसको देखे देखे। और ये बैठ गया मैं गाड़ी के अंदर एंड चलो करते इसको स्टार्ट। मैं ना पहले हाँ ऑन करते हैं, एक दो और ओके। अभी आप लोग देख ही लो भाई कितना ज्यादा लाउड है भाई ये गाड़ी। और अभी ना इसको सर्विस करवाने के लिए लेके आना है, बहुत टाइम हो गया सर्विस नहीं कराई इस गाड़ी की, बस तो इसकी ना सर्विस भी करानी है और वो चंडीगढ़ में ही होगी। सोलन में है वैसे फोर्ड का, लेकिन यार यहाँ पर ना वो कर नहीं पाएंगे तो चंडीगढ़ लेके जाना पड़ेगा। उनसे हमने बात की थी, वो कह रहे कि नहीं मस्टैंग की नहीं हो पाएगी, तो अब चंडीगढ़ लेके जाएंगे इसको। तो फिलहाल इसको मैं निकालता हूँ एंड आज भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है बाजार में, तो बहुत दिक्कत होगी इसको बाहर निकालने में, बट देखते हैं गाइस क्या सीन रहता है। ओके भाई लोग, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वॉश करवाने के लिए, तो इसको छोड़ देते अभी वॉश करवाने के लिए एंड हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने। बहुत भूख लग रही है भाई, और मस्टैंग देखो क्या ही प्यारी लग रही है भाई, मस्त कलर तो वैसे मस्त है यार, मेरे को ये भी अच्छा लगता है। बट देखो वॉशिंग स्टार्ट हो गई। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैंने आपको दिखाना भूल गया था, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो टायर है ना वो फट गया था भाई, जैसे मोड़ में ऐसे मोड़ में जा रहा हूँ मैं, उधर पत्थर पत्थर गिरे हुए थे और मैं एकदम से ना आगे की जो लाइट थी वो जली नहीं हुई थी और मैं एकदम स्पीड में चला हुआ था, और स्पीड में तो क्या हल्का आराम से ही चल रहा था और पत्थर आ गया, उसकी वजह से टायर फट गया। और भाई एक सेकंड के अंदर पूरी हवा निकल गई, तो मतलब टायर तो पूरा का पूरा गया। फिर स्टेफनी नहीं थी हमारे पास इस गाड़ी में, तो फिर अमित को फोन किया, ये लोग फॉर्चुनर में पीछे आ रहे, पीछे पीछे से आ रहे ये लोग भी, तो फॉर्चुनर में ये लोग टायर लेके आ गए। और अब जाके इसकी हम लोग ने स्टेफनी चेंज किया, दूसरा टायर लगाया इसमें, बट उसका स्पॉयलर अलग है, डिफरेंट है, सब कुछ अब मतलब खराब हो गया भाई पूरा। अब इसका नया टायर मंगवाना पड़ेगा, इसका टायर ही भाई 40-50 हज़ार रुपये का आएगा, पता नहीं कितने का आएगा, तो वो टायर मंगवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसका टायर चेंज होगा, उसके बाद फिर वो जो एलॉय है इसमें जो लगे हुए पहले वाले टायर में उससे निकाल के इसमें वापस लगाने पड़ेंगे नए वाले टायर में, और फिर जो स्टिकर है वो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों टायर में स्टिकर लगे हुए एस गेमिंग के, और अब एक में नहीं लगेगा तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा, तो वो भी करवाना पड़ेगा। तो अभी भाई देखो यार एक सेकंड के अंदर ना पूरा काम ही खराब हो जाता है। तो चलते हैं गाइस फिलहाल के लिए घर एंड हम लोग ना गोल्ड शॉप से वो भी सब चीजें लेके आ गए, तो जो मैंने आपको बताया था धनतेरस में क्या क्या लेना है, तो अभी मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें लेकर आए एंड साथ में गाइस हम लोगों ने बहुत सारी चीजें गिफ्ट में जीती है, वो मैं आपको घर में बताऊंगा। मम्मी को एक बहुत खतरनाक सी चीज मिली है गिफ्ट में उनकी तरफ से, तो मैं घर में बताऊंगा कि क्या क्या मिला है। तो गाइस ये वाला जो टायर था अपना यहाँ ये वाला फट गया था, वो वाला देखो बिल्कुल ठीक है, ये अपने स्टेफनी लगाया, अब दूसरा टायर है ये देख सकते हो आप लोग, गंदा है भाई, इतनी वॉश करके लाए थे ना हम लोग अच्छे से, लेकिन अब ये गंदा हो गया। और ये रहा भाई अपना जो टायर फटा हुआ है, अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता, बहुत ही ये देखो गाइस बहुत ही गंदे तरीके से फट गया पत्थर में भाई, मैं क्या बोलूँ, अभी बुरा भी लग रहा है पर क्या कर सकते हैं। अभी वो वाले टायर में अपने को ये इसके जो एक तो एलॉय है ये निकाल के उसमें डलवाने पड़ेंगे और साथ में स्टिकर भी लगवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गंदा लगेगा। और ये टायर तो वही फेंकना पड़ेगा, किसी काम का नहीं है, तो ये अपना जो एलॉय है और ये स्टिकर ये काम करवाना पड़ेगा। ओके भाई लोग, अभी मैं घर को पहुंच चुका हूँ एंड रेडी हो चुका हूँ जिम के लिए, लेकिन अभी देखो हम लोगों ने वो चीजें ला ली है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ना अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जिम के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। वो चीजें आपको मम्मी को भी खतरनाक चीज मिली, शायद मैंने बता दिया है। तो गाइस अभी चलते फिलहाल के लिए जिम एंड जिम में करने वाले आज एक्सरसाइज, क्योंकि आज है लेग डे सैटरडे भाई, आज तो हालत बुरी होने वाली, बहुत हालत बुरी होने वाली। मैं तो आराम से करूंगा बिकॉज़ मैं कल जिम नहीं जा पाया था, आज मैं अच्छे से करूंगा। तो अभी चलते हैं गाइस जिम एंड उसके बाद आके मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग क्या क्या लेकर आए, ठीक है। ओके गाइस अभी टाइम आ चुका है अनबॉक्सिंग का, भाई तब से वेट कर रहे हैं और अभी 11:10 हो चुके हैं, अपने को वीडियो बनाने भी जाना है इसके बाद, तो मैंने सोचा अभी फटाफट कर ही लेते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद वैसे भी वीडियो बनाने जाना है। एंड पहले मैं आपको गोल्ड वाली चीजें दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें खरीदी है। तो गाइस मम्मी को मिली एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट में, हमारे को 40 या ऐसे कितने वाउचर मिले थे उसमें अलग अलग गिफ्ट थे, तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, और अभी इसमें 5-6 गिफ्ट और बचे हुए हैं जो कि अभी कल तक आ जाएंगे। सबसे ज्यादा गिफ्ट मिले हुए और एक वॉशिंग मशीन मिली है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी, या तो हम लोग वॉशिंग मशीन लेंगे, हमारे पास 2-3 पड़ी है ऑलरेडी, तो या तो हम नहीं लेंगे या फिर उसका गोल्ड भी खरीद सकते हैं उन्हीं की शॉप से। तो एक वॉशिंग मशीन जीती है, मतलब वॉशिंग मशीन किसी को दे भी, हाँ दे सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, मिली है एक, वो भी अब 1-2 दिन में आ जाएगी, आज उनके पास अवेलेबल नहीं थी तो आज नहीं मिली, बट और कुछ गिफ्ट भी है, तो इसके अंदर भी देखेंगे क्या क्या मिला है। और भी गिफ्ट मिल सकते हैं बाय द वे, है ना,
और हाँ एक हाँ जो वाउचर थे वो हम लोगों ने दिए है उसमें कार भी मिल सकती है, हम लोग कार जीत सकते हैं, 40 वाउचर है। अब अगर लक अच्छा हुआ तो कार भी मिल सकती है, 3 कार वो लोग। मम्मी का लक बहुत अच्छा था, मम्मी को सबसे ज्यादा चीजें मिली भाई हमारे घर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज होने की चीज, ये अब मेरे को इनमें से कुछ नहीं पता, क्या लेके कुछ नहीं पता है क्या क्या लेकर आए हम लोग, और ये कैसे खुलेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे खुलता है वो उससे। ओके ये खुल गया, एंड आई थिंक इसके अंदर है, इसके अंदर अंगूठी है क्या? नहीं गाइस, ये है एक नोज पिन, ठीक है इसको हम लोग साइड में रखते हैं, देख ले दो। ओके गाइस, ये नेक्स्ट आइटम है एक डायमंड रिंग। ओए नहीं यार, दिखा, ये डायमंड, ये डायमंड रिंग है। ओए। और अगले में भी है एक डायमंड रिंग। दो डायमंड रिंग? हाँ। किसके लिए? मेरे लिए। ये गाइस ये होता है मेरे घर में, लोगों के घर में छोटे बेटे को, छोटे भाई को मिलता भाई है। लेकिन ये आप लोग बताओ यार, ये छोटा छोटा है ना, इस पे ये डायमंड रिंग वगैरह सूट थोड़ी ना करेगी, अभी तो ये बच्चा है गाइस। तो मैं अपने लिए ये लेके आया था 2 डायमंड रिंग। ये वाली रिंग, ये वाली इससे महंगी है। अब कौन सी महंगी लग रही है तेरे को, सच बताना कौन सी महंगी लग रही है? सच में बताऊं, हाँ इसमें सोना लग ही नहीं रहा, ये वाली ज्यादा महंगी, ये ज्यादा महंगी लग रही है ना, ये महंगी है, ये सस्ती है, क्योंकि इसमें ये व्हाइट गोल्ड लगा हुआ है, और डायमंड का साइड है, ये वाला व्हाइट गोल्ड है, अंदर वाला ये गोल्ड है नॉर्मल जो, और ये डायमंड इससे बड़ा है। अब ये सोने का वो ना पालियो कहीं गई, ये भी दो तीन साल बाद ऐसे मोटी मोटी से सोने की चेन। तो गाइस ये है, और ये तो मम्मी का, चलो इसको हम साइड में रख लेते हैं, ये वो नाक में लगता है ना। ओके एंड अभी देखते हैं इसमें और क्या चीज है। और है यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्सेस है, 1 मिनट यार भाई मैं नहीं देखना वाला भाई, मैं देख ही नहीं रहा यार, मेरे को पता है यहाँ पे सारा। ओके ये है एक ब्रेसलेट। ब्रेसलेट? हाँ। ये क्या, एक और ब्रेसलेट लगा रहा है यहाँ पे डायमंड का, इस पे भी एक और। तो ये गाइज एक ब्रेसलेट है, एक मिनट मैं आपको ना पहन के दिखाता हूँ। तो गाइज ये एक ब्रेसलेट, और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? वाह वाह वाह, चलने की बदबू आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर से चलने की बदबू आ रही है। तो ये है एक, ठीक है। और गाइज ये चेन है, ये भी ये मैंने पापा को गिफ्ट किया, तो इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं क्योंकि ये उनकी है, तो इसको रख लेते हैं साइड में, उनका गिफ्ट है ये, ठीक है, और इसको रखते हैं साइड में। एंड हमारी जो नेक्स्ट आइटम है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यही है भाई, और ये मम्मी की है भाई, समझ जाओ। तो मम्मी की तो सबसे महंगी होनी थी, और ये है मम्मी। क्या? ये मम्मी ने लिया है। और रेट गैस कर इसका क्या है? ये कड़ा है, ये सिंगल पीस कड़ा एक, इसका रेट गैस कर, सबसे महंगा मम्मी ने लिया है बेटे। ये 1 लाख? नहीं। 2? नहीं। 3? नहीं। 4? 4 से भी ऊपर है, 4 से भी ऊपर का ये एक कड़ा। और मम्मी बोलती है हम खर्चा करते हैं, और भाई देख ले मम्मी। गाइस ये दिवाली इन्हें भी ले लिया, इन्हें भी ले लिया, पापा ने भी ले लिया, मैं रह गया यार यहाँ पे। और इसको रख लेते हैं साइड में अभी फिलहाल के लिए। एंड हमारी लास्ट आइटम, क्या क्या लिया तुम लोगों ने? तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, ये है हमारी चेन, लेकिन ये नई नहीं ली है, ये हमारी जो वाली पुरानी वाली चेन है ना, इसको हम लोग ना थोड़ा वॉश करवाने के लिए गए थे, क्योंकि काफी टाइम से ना गंदी हो जाती है पहन पहन के, तो ये वॉश होके आ गई है प्रॉपर तरीके से, चमक रही है अभी यार ये वाली। तो मेरे को भाई यहाँ ले लेना भाई, तेरी ले यार, कसम का। ये गाइस व्लॉग में बोल रहा है व्लॉग, और ये हमारी लास्ट आइटम, ये हमारी लास्ट आइटम है, एंड इसके अंदर है भाई गाइस थोड़ी अपग्रेडेड चेन। ये क्या शंगल है, ये चेन ढूंढने शंगल है भाई। तो अब मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, ये तू लगाएगा? लगा ले भाई। भाई क्या यार ये। तो गाइस ये चेन लिए एक नई, और ये दो अंगूठी, और ये एक ब्रेसलेट, बस 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 यार, मतलब दो चेने, दो अंगूठियां, दो ब्रेसलेट, बस। तू भी पहन लियो भाई, क्या दिक्कत है, तू भी पहन। गाइस ये व्लॉग में यही चीजें बोलता है, तू पहन लियो, तू ले लियो, पर ये असलियत में अगर आप रियल, अच्छा आप कमेंट करके बताओ क्या मैं सही हूं भाई, तू भी पहन सकता है, क्या दिक्कत है। कभी नहीं गाइस, लिटरली जिंदगी में नहीं देखा भाई यार, तू पहन ले यार, नहीं चाहिए भाई, तू पहन ले, सच में मैं दूंगा नहीं वापस। तो गाइस ये चीजें जो हम लोगों ने ली धनतेरस पे, हम लोगों ने पहले ऑर्डर कर दिया था इसको, आज बस अपने को उठाना था, तो हम लोगों ने उठा लिया। एंड अब देख लेते भाई गिफ्ट में क्या क्या मिला है, इससे तो मैं चीजें लूंगा भाई, मैं तो बोल ले जो जो चीजें ले ले भाई, सब ले, तो सब ले। ओके गाइस अभी देख लेते पहला गिफ्ट, ये इसमें क्या है भाई, मेरे को ऐसे याद तो है पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजें मिली थी, अब देखते इसके अंदर। ओके आयरन मिली है एक, वाओ आईलाइन की, कपड़े प्रेस करने के लिए, चलो क्या बोलते हैं, आयरन नहीं बोलते, आयरन ही बोलते हैं भाई, आयरन इंग्लिश में बोलते हैं हम, तो उसको इस्त्री, इस्त्री बोलते हैं क्या, इस्त्री, इस्त्री जो है प्रेस, प्रेस बोलते हैं इसको। ओके मैं इसको देख लेता हूं कैसी है। ओके चलो नॉर्मली होगी इसको, ठीक है। एक ये मिली है,
तू करेगा फिर काम। ओके गाइस अभी देखते हैं नेक्स्ट आइटम ये क्या है। ओके इसमें क्या है, ये टिफिन बॉक्स है, ये टिफिन बॉक्स है, ये भी नहीं चाहिए भाई मेरे को। ये है एक टिफिन बॉक्स, देख सकते हो आप लोग, इसको ओपन तो क्या ही करना है, ऐसा ही होगा ठीक है। इसको भी रखते हैं साइड में। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का 10 करोड़। चलो ये नेक्स्ट आइटम है, इसको देखते हैं क्या इसमें इसमें क्या होगा। भाई मेरे को लग रहा है इसमें भी वही कुछ हो। इसमें गाइस बॉल है, ये देख सकते हो आप लोग, इसमें तो फ्रूट व्रूट खा सकता है भाई, खा सकता है, खा सकता है, ये भी सही है वैसे, ये भी सही है। तो गाइस अभी हमारे पास तीन और बचे हैं, देखते हैं इन तीनों के अंदर क्या। भाई इसकी तो पैकिंग ही बड़ी खतरनाक करी है लोगों ने यार, इसको मैं फाड़ूंगा कैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके गाइस इसको फाड़ते हैं यहाँ से, ये गया ये गया। ओके फिर से इसमें यही सेम चीज़ है, देख के तो यही लग रहा है इसमें भी कपी है भाई। एक और चल, हाँ इसमें भी, हाँ इसमें भी कप, लेकिन इसमें मस्त कलर है। चलो मेरा ये इसमें मस्त कलर है, अच्छा लगेगा। इसमें रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ब्लू कलर इसमें, ये वाइट है एक ब्लू है। ओके ये है कप ऐसा कुछ, ओ ये ठीक है भाई, अच्छी क्वालिटी है, मस्त लग रहा है। और अभी 5-6 गिफ्ट ऐसे और है, और एक वॉशिंग मशीन है, वो तो मस्त चीज है, तो वो भी आएगी कल तक। बाकी गाइस यही था, एंड अब हम लोग निकलते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेट हो रहा है भाई, 11:30 हो चुके हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, चलते हैं वीडियो बनाने, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। चलो ओके भाई लोग, फिलहाल के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, एंड अब बनाने वाले दो वीडियो, मस्त मस्त वाली है, दोनों खतरनाक वीडियो। एंड दिवाली के लिए बचा सिर्फ एक दिन, कल का दिन बचा है, कहां लाइट मुंह पे डाल रहा है भाई, तो अभी बनाते हैं वीडियो, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। तो भाई लोग अभी वीडियो बना के हम लोग आ चुके घर, और मैं नहा लिया था मस्त तरीके से, क्योंकि गाइस पटाखे चलाने के बाद ना बहुत ज्यादा है ना ऐसे पटाखों की स्मेल आती है हाथों से, बॉडी से, मतलब अजीब अजीब से होती है ना, एकदम बारूद वाली, कुछ पता नहीं है गाइस खुद पे कब आग लग जाए, बट ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, फिर अजीब सी स्मेल आती है, तो मैं नहा लिया मस्त तरीके से। एंड गाइस कल है छोटी दिवाली, पता नहीं आप लोग छोटी दिवाली बोलते हो या फिर नहीं बोलते हो, एक दिन दिवाली से एक दिन पहले को हम लोग छोटी दिवाली बोलते हैं। कल के दिन में भी गाइस बहुत मजा आने वाला है, कल ना गाइस हम लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं। कल मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेने वाला हूँ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मेरे फैंस के लिए, जितने मेरे भाई लोग हैं, तो गाइस जितने भी बच्चे अपने को सड़क पे मिलेंगे, जितने बच्चे बड़े जो भी है सड़क पे, जैसे उनके लिए हम लोग कुछ चीजें खरीदेंगे, जितना मुझसे होगा मैं उतना खरीदूंगा, ज्यादा ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, तो गाइस वो करेंगे कल। एंड कल अपने को वीडियोस वगैरह भी बनानी है, रील वगैरह पिक्चर्स वगैरह खींचनी है दिवाली के लिए, जो कि दिवाली के दिन पे डालेंगे, तो कल बहुत सारा काम है, वो चीजें भी करनी है। तो भाई कल जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे को मिलेंगे, ये व्लॉग सुबह में आ जाएगा 7:30 बजे, कल जितने भी मिलेंगे सब सब्सक्राइबर्स को मैं चॉकलेट्स और कुछ ना कुछ बांटता रहूंगा, चॉकलेट्स मिठाइयां पटाखे वटाखे भी बांटूंगा, थोड़े बहुत पटाखे भी गाइस मैं खरीदने वाला हूं सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड वो उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते। सबके घर में दिवाली मननी चाहिए, तो मैं पटाखे भी लूंगा, लेकिन जिन पटाखों से बच्चों को हार्म हो सकता है वो पटाखे नहीं लूंगा, नॉर्मल वाले जो पटाखे होते हैं फुलझड़ी जैसी होती है, नॉर्मल वाली जो होती है जिसमें कोई ज्यादा कोई खतरा नहीं है, वो वाले पटाखे मैं बच्चों में बांटूंगा, एंड चॉकलेट्स वगैरह और वो भी सब कुछ लेंगे, वो कल ही जाके लेंगे। एंड गाइस एक और चीज के बारे में आप लोगों से बात करना था, जैसे मैं अपने व्लॉग्स में आप लोग को कुछ भी चीजें दिखाता हूं, जैसे आज मैंने कुछ गोल्ड खरीदा, धनतेरस का दिन था, मैंने कुछ गोल्ड वगैरह खरीदा था आपको दिखाया था, कभी मैं कुछ खरीद लेता हूं, कभी कुछ खरीद लेता हूं आपको दिखाता हूं, तो वैसे तो मैंने आज तक ऐसा नहीं है, कमेंट मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कभी भी कि कोई लिख रहा हो कि फ्लेक्स कर रहा है या फिर शो ऑफ करता है। तो मैं आपको पहली चीज बता देता हूं, अगर किसी को लगता भी, बहुत मैंने सुना है कुछ लोगों से, तो अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा भी फ्लेक्स करता हूं या फिर मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देखो वीडियोस के अंदर जो मेन चैनल की वीडियोस होती है वो एक अलग होता है, वो एक अलग कैरेक्टर होता है, उसमें आप लोगों को अच्छे से एक वीडियो प्रॉपर बना के तैयार करना होता है स्क्रिप्ट वगैरह के साथ। यहां पे जो व्लॉग में ना वो रियल लाइफ होती है, जो मैं कर रहा हूं दिन भर में वही मैं आपको दिखाता हूं, वॉश करवा रहा हूं, गाड़ी वॉश कर रहे हैं, गोल्ड शॉप से गोल्ड लेके आया तो गोल्ड ले रहा है, फोन ले रहा है, फोन का कवर ले रहे, तो मैं वो दिखाता हूं, क्योंकि वही कॉन्टेंट है, और क्या कॉन्टेंट बनाऊंगा भाई मैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कोई कहीं पर मेरी गलती हो रही है, कहीं शो ऑफ हो रहा है, या फिर कोई आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कोई भी चीज की, मैं 100 रुपए की चीज खरीदूंगा उसका भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं शो ऑफ कर रहे या फिर शो ऑफ कर रहे हैं या फिर फ्लेक्स कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को दिखाना कि मेरी लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, व्लॉगिंग में यही तो दिखाऊंगा। और मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि यार मेरे जैसा बंदा जो आज से 2 साल पहले तक मतलब ये चीजें सोच भी नहीं सकता था अपने दिमाग में कि भाई मैं ऐसी चीजें खरीदूंगा, ये करूंगा, वो चीजें मैं आज
मैं कर पा रहा हूँ, तो आप लोगों को मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि आज से दो साल पहले मैं ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 के पटाखे खरीदा था, और अभी मैंने कितने पता नहीं 50-60 हजार के वीडियो के लिए जला दिया। अभी दिवाली आई भी नहीं है, दिवाली से पहले 50-60 हजार के जला दिए। तो वही है गाइस, हम लोग काम करते हैं और अपना यही काम है। अगर आपको फिर भी लगता है ऐसा कुछ भी, तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। अगर मुझसे गलती में हो गया हो, मुझे पता नहीं रहता कि हाँ भैया मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, क्या दिखा दिया क्या नहीं दिखा दिया, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आपका हक बनता है। अगर आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एंड बस वही है, मैंने आपको बता भी दिया रीजन कि आपको इससे मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको मोटिवेशन ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, मैं घर वालों के पैसों से नहीं करता हूँ, ना माँ बाप के पैसों से करता हूँ, मैं खुद कमाता हूँ, खुद वीडियोज बनाते हैं, खुद यूट्यूब पे और भी बहुत सारे काम है वो भी करते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग ये चीजें करते हैं। तो गाइस मेरे को ना वैसी फील हुआ कि आज के व्लॉग में बता देना चाहिए, ये सब चीजें भी बोलना जरूरी होती है। और साथ में गाइस कल तो बहुत मजा आने वाला है, कल का व्लॉग बहुत ओपी होने वाला है। दिवाली थी ना, उस वजह से गाइस मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाता था, दो वीडियो डालनी थी होती थी, तो उस चक्कर में ना भाई हम लोग व्लॉगिंग वाले चैनल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग व्लॉगिंग पे फिर से फोकस करेंगे, लंबे लंबे व्लॉग, मैं वादा करता हूं 15-15 मिनट के व्लॉग डालूंगा मैं इसके बाद, क्योंकि मैंने जो 5-5 मिनट के व्लॉग डाले ना आप लोग बहुत नाराज हो, मुझे पता है, बट अब दिवाली के बाद से अच्छे से व्लॉग आएंगे। गाइस ये व्लॉग मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही लंबा चला गया, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूं, मेरे को करना है व्लॉग को एडिट। एंड अभी बज रहे रात के 2:47 हो रहे, अमित का फोन है, रात के 2:47 हो रहे, 3 बजने वाले, एंड मेरे को कल जल्दी उठना था। एंड यार आज मस्टैंग का टायर भी फट गया भाई, बुरा तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं यार, चलो सह लेंगे थोड़ा सा, उसको कल ठीक कराना है। जो अपना दूसरा टायर है उसमें अपने को वो रहता है, रिम बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं भूल गया, वो जो रहता है ब्लैक ब्लैक कलर का, जो अंदर का स्टील का वो रहता है, मैं एलॉय लगाने पुराने वाले टायर से निकाल के, ताकि वो ना अजीब सा ना लगे, क्योंकि अलॉय सिल्वर है बाकी के ब्लैक है, तो वो करवाना है। एंड मैं मिलता हूँ आप लोग कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बाय बाय गाइस।